हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपको 3D लेटर्स बनाना सिखाती हूँ। 3D लेटर्स बनाकर कैसे आप अपना नाम बहुत ही स्टाइलिश बना सकते हैं, अच्छे से कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3D लेटर्स लिखने के लिए बच्चों आपको चाहिए एक पेंसिल, एक स्केच पेन, इरेजर और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज स्पेस, जस्ट लाइक अ पेज। क्योंकि अगर हमारे पास स्पेस नहीं होगा तो हम कहाँ पर स्केचिंग करेंगे, कहाँ ड्राइंग करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है हमारा पेपर। अब क्या करेंगे तो बच्चों, सबसे पहले हमें एक आधार ले लेना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लीजिए। उसके बाद आपको पेंसिल और स्केच पेन दोनों को एक साथ चलाना है। दोनों को एक साथ रखिए, एक स्केच पेन रखना है हाथ में और एक पेंसिल, दोनों को आपको एक साथ यूज़ करना है। जैसे मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ सनराज, तो जैसे आप सिंपल लेटर्स लिखते हैं लाइक उसी तरह आपको लिखना है। एस ए एन, आपको पेंसिल को जैसे आपने पकड़ा है वैसे ही चलानी है, उसको घुमाना नहीं है हाथ को। आर ए जे, अब आपने देखा मैंने हाथ को ऐसे नहीं घुमाया, जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसी डायरेक्शन में चल रहा था। स्केच पेन बंद कर देंगे। अब आपको पेंसिल का यूज करना है। आपको अब ये लेटर्स जॉइंट कर देने हैं, इस तरह जॉइंट करना है बच्चों। अब आप देख रहे होंगे कि जो लेटर है हमारे बोल्डा बन गए हैं। अब इसको 3D कैसे दिखाएंगे, तो आपको इसमें शेड दिखानी है। जहां पर हमारा स्केच पेन है वहां पर आप करेंगे डार्क शेड, और जहां पर हमारी पेंसिल है वहां पर ले जाते जाएंगे लाइट शेड, डार्क टू लाइट। जिस तरह हमारी पेंसिल चली है हमें उसी तरह शेड करनी है। ये बच्चों देखो, और 3D इफेक्ट दिखाने के लिए हम इसके जो स्पेस है बैकग्राउंड में यहाँ पे हल्की हल्की इसकी शेडो दिखा सकते हैं। ऐसे हमें सब लेटर्स कंप्लीट कर लेने हैं। है ना बच्चों, इजी। अब ऐसे मैंने सारे लेटर्स में शेड कर लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड में भी शेडो डाल देते हैं। अगर आपको और 3D इफेक्ट डालना हो है तो आप पेपर की कटिंग भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा अगर हम इसको हाफ कट कर देते हैं तो वो लेटर्स 3D इफेक्ट और शो करते हैं, लेकिन हमें तो पेपर पे ही लिखना है। तो पेपर पे जैसे आपको टॉपिक डालना होता है किसी लेसन प्लान का, या आपको कोई स्लोगन लिखना है, तो आप ये वाली टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश लेटर्स के लिए, दोनों के लिए ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है, लाइक दिस। तो बच्चों आप भी ट्राई कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए, सुंदर से लेटर्स आप बनाइए और 3D इफेक्ट उसमें डालिए।